हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी जस्ट नीट 2024 का एग्ज़ाम हुआ था और उसके क्वेश्चंस की बात अगर हम लोग करेंगे तो इस बार केमिस्ट्री में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे, क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे ही पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली उसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने क्वेश्चन एनालाइज कर भी लिया होगा, 50 क्वेश्चंस में से लगभग आप देखेंगे तो 17 क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक वाले पार्ट से आपको दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए तो लगभग 34-35% ये मार्क्स लगभग आ रहा है। तो ये ट्रेडिशन जो 10 साल के ग्राफ को आप देखते हैं तो लगभग 45-50% क्वेश्चन फिजिकल से पूछे जाते हैं, लगभग 30-35% क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं और लगभग 15-20% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं। तो समझिए कि ये ट्रेंड लगभग वही ट्रेंड फॉलो किया गया है जो प्रीवियसली था। तो अभी जो हमारा आज का फोकस होगा इस नीट के 2024 के जो टोटल क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक वाले पार्ट का, उसका डिस्कशन थोड़ा सा हम लोग कर दे रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को, इसके जो भी क्वेश्चंस आए पड़े हैं उनके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जो भी पेपर, अब तो पेपर का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस डायरेक्ट है सामने, उनके ऑप्शंस हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग्स द फॉलोइंग इज। तो एक बात तो आप जानते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, स्टेबिलिटी जो कार्बोकैटायन की होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बहुत तरीके से एक्सप्लेन होता है। जैसे प्लस आई पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई पावर के, ये आप जानते हैं। लेकिन इंस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर हम बात अगर करते हैं तो सबसे सूटेबल और सबसे एक्सप्लेनेटरी वे में अगर जाए तो सबसे ज़्यादा सटीक जो होगा वो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होता है, मतलब हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन होगा। तो एक बात और समझेंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर किसी कंपाउंड की बात करेंगे तो ये बराबर होता है अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन के। ये डायरेक्ट हम याद रखने का तरीका बता देते हैं कि टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन, और ये जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, पहली बात। अब इसमें हम कंपेयर करने की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, तो इस क्वेश्चन में तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो यहाँ पे ये तो रिंग एक्सपेंशन ये सबसे अनस्टेबल होगा, क्योंकि अगर इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाता है तो रिंग एक्सपेंशन होने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, 6 मेंबर्ड रिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस कारण से ये जो इस कार्बोकैटायन है ये तो रिंग एक्सपेंशन इसमें इंस्टेंट होने के कारण से हाईली अनस्टेबल होगा, तो इसकी बात, इसका जिक्र तो हम हाइपर कंजुगेशन से कर ही नहीं रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चंस में जाएंगे तो देखिए ये इसका अल्फा कार्बन है, यहाँ अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये CH2, इधर हो गया CH2, तो 3 इधर हो गया 3, इधर 2 इधर 2, तो टोटल कितना हो गया 3, 2, 5 और 2, 7, 7 अल्फा कार्बन हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए सॉरी, तो 7+1 टोटल कितने हो गए, 8 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ ऑब्जर्व होंगे। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा CH2 और यहाँ पे क्या होगा CH है, तो इसमें अगर आप कंपेयर करके चलते हैं तो 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ है, तो 3+1 टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो आएंगे यहाँ पे 4 आएंगे, और यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2, 5, 5+1 कितने हो गए, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। तो टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करके चलते हैं तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड में है, इस कारण से ये ऑप्शन जो हमारा है वो सही है। तो आशा करते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होंगे तो इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्या, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये प्योरिफिकेशन वाले पार्ट से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में जो प्योरिफिकेशन का पार्ट है उससे टेक्निक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बेसिक चीज है जो आप जानते हैं। सॉलिड कहता है कि ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट, तो एक बात तो आप जानते हैं, आपको ये पता जानते हैं, कोई सॉलिड है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस
फिनोमेना को हम लिक्विफिकेशन कहते हैं, और लिक्विड से जब वो गैस में कन्वर्ट होता है तो इस फिनोमेना की बात करेंगे तो इसको हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। जबकि अगर लिक्विड से डायरेक्ट विदाउट लिक्विड में गए हुए अगर कोई सॉलिड गैस वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे कुछ खास इस क्वेश्चन में है नहीं, सॉलिड से गैस में कन्वर्शन विदाउट लिक्विड स्टेट, और इस टेक्निक्स को इसके थ्रू अगर हम सेपरेट करने की बात करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा झंझट का जरूरत ही नहीं है, यहाँ टेक्निक जो यूज किया जाएगा वो हमारा क्या होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम लोग सेपरेट करने वाले हैं। थ्योरेटिकल बात है, ये कुछ खास नहीं है। इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे हमारे पास जो है 55 क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या है, मैच करने का है, लिस्ट वन और लिस्ट टू, मतलब इधर जो पार्ट है इधर पार्ट है, इनको मैच करने के लिए हमको दिया जा रहा है। स्वाभाविक है यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे अल्किन से गौर करके देखो तो अल्किन से क्या बन रहे, अल्डिहाइड या कीटोन मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ रिएजेंट देखोगे तो ये अंडरस्टूड है, तुमने पढ़ रखा है, यह जो रिएजेंट है ये रिडक्टिव ओजोनालिसिस का रिएजेंट है, और रिडक्टिव ओजोनालिसिस जो है वो इसका बेसिक थीम यही है कि जब हम ओजोन का ट्रीटमेंट ओजोन के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं और साथ में हमने पुट करा है क्या ZnH2O, तो स्वाभाविक है ये क्या होता है, ये बॉन्ड जो है ये सिंपल सा है, इसको ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस हमारा जो है ओजोनालिसिस का है, आसान तरीका से याद रखते हैं, बॉन्ड रहे दो भाग में, डबल बॉन्ड है, डिवाइड कर देने का है, सिंपल सा बात हम समझेंगे, डिवाइड कर देंगे और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देने का है, सिंपल सा आसान तरीका यही है। हमने यहाँ क्या किया, इधर से कट कर दिया, इधर भी ऑक्सीजन लगा दिया, प्लस इधर से हमने कट कर दिया और इधर भी ऑक्सीजन लगा दिया, तो कहानी यही होने वाला है रिडक्टिव ओजोनालिसिस में। अंडरस्टूड है, यहाँ आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ से थीम को अगर ऑब्जर्व करके चले, अगर हमने यहाँ पे इसको कट मारा क्योंकि ये रिएजेंट है और यहाँ पे 0-0, तो देखिए यही प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ए के लिए तो हमारा कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें हमको पहला पॉइंट में क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन बनाने समय क्या ध्यान रखना है वो समझे आप, 1 = 1 का ए का 4 है, इसका मतलब ए का 4 ए का 1 ए का 2, इसका मतलब है ये दो तो हमारा पहले ही खत्म हो गया। क्वेश्चन बनाने में ये ख्याल रखने का है कि आसान क्या होगा, फर्स्ट एक ही से हमारा ए का 4 है, मतलब इसी दो ऑप्शन पे अब हमको फोकस करना है, हम चार की तरफ नहीं भी जाए तो आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन से अगले पार्ट में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास अगला क्या है, इस रिएक्शन में जाएंगे तो स्वाभाविक है इस पूरे रिएजेंट को अगर हम देखते हैं क्या हम करने वाले हैं, ठीक है, तो रिडक्शन पहला तो ये हो गया। दूसरा बी की बात करते हैं, तो बी में ये हमारे पास जो रिएजेंट दिख रहा है थोड़ा सा इसको अगर समझो, ये क्या है, ये मतलब अगर गौर करके देखो तो यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 के साथ है, मतलब ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का पार्ट है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएजेंट है, मतलब एसाइल क्लोराइड के फॉर्मेट्स में है और अनहाइड्रस AlCl3 है, तो स्वाभाविक है ये तुम जानते हो, इसको भी कॉमन सा अगर तुम याद करके चलो तो तुम्हारे पास कोई भी रिएजेंट बेंजीन अगर हमारा है, बेंजीन के ऊपर अगर हम RCOX ही करते हैं, आर हम AR कर देते हैं इसको, चलो इसको AR है तो AR कर दो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमने यहाँ AR कर दिया, एराइल है मतलब बेंजीन, इसको एराइल कर दिया हमने, ठीक है X, और फिर साथ में हमने अनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, तो अनहाइड्रस AlCl3 ये पढ़ रहे हो तुम जानते हो, ज़्यादा इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, वैकेंट और वाइटल होता है, ये क्या करता है यहाँ से इसको एक्स को ये बाहर कर लेता है, AlCl4 के फॉर्म में ये बाहर जाएगा और यहाँ पे जो ये बाहर जा रहा होगा तो इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है ये मतलब इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा कौन हो गया, ArCO+ इलेक्ट्रोफाइल है, और जैसे ही ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाके अटैक होगा, क्योंकि बेंजीन का रिंग है कहीं भी जाएगा तो बात बराबर है, जहाँ पे भी इसको जोड़ दो, मान लो यहीं पे अगर हमने जोड़ दिया COAR, अगर हमने जोड़ दिया है तो यहाँ पे क्या बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स से फिर से यहाँ पे क्या हो गया, ये बाहर आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज और ये एसाइल का फॉर्मेशन, ये जो हमारे पास आ गया
बेंजीन रिंग इधर हो गया CO और फिर से ये बेंजीन रिंग हमको दिख रहा होगा। तो ये प्रोडक्ट जो बन रहा है स्वाभाविक है इस रिएक्शन को जाओगे तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हमने बस ये चीज समझाया, हमने बस बता दिया है, ध्यान यही रखने का था, ये हटा के प्लस गया और प्लस आके बेंजीन पे लग गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि बी का हमारा रिएक्शन जो है वन है। बातें आई है तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअल में ये फ्यूरल क्राफ्ट एसाइलेशन का पार्ट है। तो देखो वन का फोर हो गया और बी का वन, इसका मतलब है कि बी का वन ये दोनों है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव बना रहे होंगे तो हम इतना नहीं सोचते, सोचो ये फोर फोर है और ये इसी दो में छांटना था, तो बी वन वन है तो अंडरस्टूड हो गया कि बी वन वन है तो ये बराबर है तो ये भी बराबर है, तो इसको हम सोचते ही नहीं, हम बस सी में डिफरेंस आ रहा है इसको सोच लेंगे तो हमारा काम हो जाता है। बस यही सोचना है, क्वेश्चंस बनाने में आपको आसानी होती है, क्वेश्चंस कैसे जल्दी बना पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं तो देखो अब सी वाले में आए और सी को देखें तो अंडरस्टूड है। हम जब बात करते हैं सी की बात कर ले तो यहाँ पे कौन है, अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल का जब हम लोग करते हैं रिडक्शन, रिडक्शन की बात करेंगे तो देखो जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके लिए रिएजेंट की बात करोगे तो कीटोन के लिए ज्यादातर प्रेफरेबल जो होता है क्रोमियम ऑक्साइड्स होते हैं या जोन्स रिएजेंट होते हैं H2CrO4, जिसका यूज बेसिकली कीटोन के लिए किया जाता है। तो ये सी का हमारा क्या हो गया, टू, मतलब ये अंडरस्टूड है कि डायरेक्ट ये हमारा मतलब और भी रिएजेंट जैसे PCCCH2Cl2 होता है, और भी रिएजेंट्स होते हैं लेकिन PCCCH2Cl2 बेसिकली वो एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, और CrO3 और जोन्स रिएजेंट जो होते हैं प्रेफर्ड किए जाते हैं कीटोन के फॉर्मेशन के लिए। ये इन्फॉर्मेशन था तो हमने ऐड कर दिया है, ध्यान रखोगे। तो सी से हमारे पास क्या बन गया, ये सेकेंड हो गया। तो अब एक चीज गौर करके देखो तो सी में ये सेकेंड हो गया तो अंडरस्टूड है कि ये थर्ड है, ये सेकेंड है, इसका मतलब है कि ये सीरीज हमारा सही है। तो हम ये नहीं भी जानते हैं तो एक से इतने से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो याद रखेंगे कोई भी बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर लगा हो और इसके ऊपर जब हम लोग KMnO4 विथ अल्कोहलिक या मतलब एक्वस मतलब ये है OH- बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम किसी में डाल के अगर रीड करते, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कार्बोक्साइलेट आयन में पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और फिर उसके सॉल्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है, ये भी ध्यान रखने का है। तो डी का तो सामने है, ये जो बच गया वो तो वही होगा ही, इन्फॉर्मेशन बस हमने दे दिया है। 2-3 चीज इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जिसको हमने ऐड कर दिया। पहला ये रिडक्टिव ओजोनालिसिस था, दूसरा जो हमारा था वो हमारा क्या था, फ्यूरल क्राफ्ट एसाइलेशन था, तीसरा था ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है, और चौथा जो हमारा है वो हमारा कौन हो गया, ये अल्केन डी हमारा जो है इसका अगर जब रिडक्शन करेंगे तो ये रिडक्शन करके हमको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो डी का क्या हो गया, 3। इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आशा करते हैं कि हमको दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा ये गौर कीजिए, क्वेश्चन ये क्वेश्चन एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग का है, बस यहाँ पे बात आई है ऑर्गेनिक कंपाउंड था तो यहाँ पे डाल दिया गया है, लेकिन बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हैं, ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन और फोन के बीच में लगने वाला, इसको याद रखते हैं फोन से, FON फोन, हाइड्रोजन और फोन के बीच में लगने वाले बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अगर सिंगल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर बोलते हैं। अंडरस्टूड है, इस बात को भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और फोन है तो एक ही मॉलिक्यूल, यहाँ बात कर रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर होने के लिए सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर होना चाहिए। तो सिंगल मॉलिक्यूल ये अगर देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे कभी भी इसके बॉन्ड्स जो है ये हाइड्रोजन और इसके NO2 यहाँ पे बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं होंगे। HF जो है, HF की बात करोगे
तो एच एफ भी हमारा क्या है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये भी अपोजिट है, 180 डिग्री पे है, तो स्वाभाविक है ये भी कभी भी इंटर मॉलिक्यूलर नहीं बना सकता। एक ही ऑप्शन यहाँ है, क्यों? तो जस्ट इस बात को देखो, और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। ये जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर तुम लेके चलोगे तो यही एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या हो गया OH, तो ये खींचा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इधर हो गया पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ये हो गया इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब ये है, तो क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, तो देखो एच और ओ मतलब हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में फोन में से एक है, इसका मतलब है ये इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट है, मतलब ये थर्ड ऑप्शन इसके लिए हमारा करेक्ट होने वाला है। ये बात सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 60 क्वेश्चन है, फेलिंग सॉल्यूशन इज, एक बात समझो, तुम लोग पढ़ा होगा ये भी, ये एल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट है। जब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में फेलिंग सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, तो ये जो है ये दो सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी, दो सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो हमारा होता है, ये अगर देखोगे तो ये एक्वस कॉपर, ये जो है कॉपर सल्फेट होता है, जबकि ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्ट, ये यहाँ पे नाम तुमको ऑलरेडी मिल रहा होगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट रोसेल सॉल्ट, तो ये सॉल्यूशन बी है। ये एक्चुअली टार्टरेट क्या होता है, टार्टेरिक एसिड तुम जानते हो, सी ओ माइनस सी ओ एच एच, ये हो गया सी एच ओ एच, और इधर हो गया सी ओ ओ माइनस, यहाँ पे के प्लस, इधर एन ए प्लस, इसी को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 1:1 रेशियो है, हमारा फेलिंग सॉल्यूशन है। और इसका हम उतना नहीं जा रहे क्योंकि हमको पूछा गया है, सिंपल है कि फेलिंग सॉल्यूशन एक कौन होगा, तो अंडरस्टूड है कॉपर सल्फेट, तो ऑप्शन तो यही जा रहा है। लेकिन ये एक्चुअली में ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब ये यूज करेंगे हम तो ये कलर चेंज होता है, और कलर चेंज होने से जब इसका जो ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का, तो इसका कलर चेंज होता है, और कलर चेंज हमको प्रिडिक्ट कराएगा कि वहाँ एल्डिहाइड है। तो खैर उसका जरूरत है नहीं, इस कारण से हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बात क्वेश्चन की हो रही है, एनालिटिकल ज़्यादा नहीं बनना है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे, तो एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 है। इस क्वेश्चन में कहता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, यहाँ दो स्टेटमेंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर दिस, ये हमारा ऑर्डर है। एक बात समझो, एन पेंटेन का मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 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 CH3 है, ये है आइसो पेंटेन, मतलब CH3 CH CH3, और क्या हो गया CH2 CH3, और हमारा कौन हो गया नियो पेंटेन, तो CH3 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 CH3, ये है। तो ये तीनों का कहता है कि इनका जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर तुमको दिया हुआ है। ये एक बात समझोगे, हमेशा याद रखोगे, ये बड़ा कॉमन सा पॉइंट है जो ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है VWF के, वैन डर वाल फोर्स के, याद रखोगे। और वैन डर वाल फोर्स जो होता है ना, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मतलब दो तरह से बात करोगे, अगर वैन डर वाल फोर्स की बात करोगे तो ये मतलब एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटोमिसिटी के, मतलब एटोमिसिटी भी छोड़ा सीधा, और मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, एक ये हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के, ये याद रखोगे। जितना ज्यादा ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स, मतलब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट्स जितने बढ़ेंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ने के कारण से इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा, और उस कारण से उन मतलब सिंपल जो का उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होती जाएगी। तो अंडरस्टूड है, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देनी है,
ऑप्शंस पढ़ लो तो क्या कहता है, पहला तो क्लियर हो गया, इस ये ब्रांचिंग बढ़ता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा, फिर ये है। स्टेटमेंट टू कहता है व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेज द मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट्स इन अ स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल आर वीकेंड। अभी जस्ट हमने इसी का एक्सप्लेनेशन दिया, यही बात हमने बोला कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा तो ब्रांचिंग बढ़ने के कारण से ये क्या होंगे, इन्हें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा और उसके कम होने के कारण से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों स्टेटमेंट जो हमारे हैं वो दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, मतलब ये हमारे पास जो हो गया दोनों के दोनों हमारे करेक्ट हैं, मतलब ऑप्शन हमारा कौन होगा, वन और टू, ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो सही है। ये बात सबको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 66 की बात, 66 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो है वही है, कौन सा, 69। आ जाओ इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रिएजेंट। एक बात तो हम जानते हैं, लुकास रिएजेंट होता क्या, पहले थोड़ा ये समझ लो। तो लुकास रिएजेंट जो है एक्चुअल में होता क्या है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में जो है वो अनहाइड्रस ZnCl2 का 1:1 रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और इसका यूज किया जाता है टेस्ट फॉर अल्कोहल। ये टेस्ट फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के टेस्ट के लिए अल्कोहल यू कहो, ज्यादा बेटर वर्ड में कहो तो ये इसमें कह सकते हो, ये यूज किसके लिए किया जा रहा है, तो यूज फॉर टेस्ट फॉर डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये ज्यादा बेटर है। डिग्री ऑफ अल्कोहल, कौन सा डिग्री है उसके लिए यूज करते हैं। स्वाभाविक है जब हम बात करते हैं तो ये कॉमन है, बहुत कॉमन है, तुम पढ़ते आए हो कि जब 1 डिग्री अल्कोहल में हम 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालते हैं तो इंस्टेंटली फॉग का फॉर्मेशन, उसमें धुआं उठने लगता है। इसका मतलब है ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। तो सिंपल सा है कि ये इसमें जबकि 2 डिग्री अल्कोहल अगर है और 2 डिग्री अल्कोहल में अगर हम डालते हैं लुकास रिएजेंट तो 2 से 3 मिनट लगता है रूम टेम्परेचर पे उसको स्मोक के फॉर्मेशन में, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो जनरली प्राइमरी फॉर्मेट्स में है तो वो प्राइमरी अनब्रांच है तो वो रूम टेम्परेचर पे कभी भी फॉग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि वो अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता किसमें, अल्काइल हैलाइड में। समझ में आ रहा बात? तो याद रखेंगे ये टेस्ट फॉर अल्कोहल जो है इंस्टेंट, ये याद, 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो इंस्टेंट फॉग का, ये मतलब फॉग का फॉर्मेशन करता है, स्मोक कहो, फॉग क्या कहोगे, स्मोक कहोगे, स्मोक का फॉर्मेशन करता है इंस्टेंट, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, जबकि अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, ये SN1 SN2 रिएक्शन पे बेस्ड है जो आप वहाँ पे पढ़ोगे, तो ये 2 से 3 मिनट लगेगा रूम टेम्परेचर पे क्या होने में, ये इंस्टेंट बनाएगा और ये 2 से 3 मिनट में स्मोक का फॉर्मेशन करेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा उसको रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो वो कितना भी समय तक छोड़ दो स्मोक का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो ये भी थ्योरेटिकल पार्ट टाइप का ही हो गया, ये सामने दिख रहा है 3 डिग्री, ये प्राइमरी अनब्रांच, ये प्राइमरी ब्रांचड है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, मतलब ये अपना हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, याद आओगे तो ये 1 डिग्री में 1 डिग्री अनब्रांचड हो गया, ये अनब्रांचड अल्कोहल है और ये 1 डिग्री ब्रांचड अल्कोहल है। तो हमारा सिंपल सा हो गया, जबकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इस कारण से ये हमारा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है बात? ये बात भी समझ में आ गया होगा सबको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये कहता है मैचिंग लिस्ट फिर से आ गई जिसमें हमको मैच करना है इसमें से कौन सही है कौन गलत है। अंडरस्टूड है इथेन, ये तो बेसिक बहुत सिंपल बात है। इथेन की बात कर लो तो क्या होगा, CHHH, इधर पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का कहानी है, तो समझो इथेन है, तो यहाँ पे इथेन में सब में 1-2-1-2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यह नंबर और टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, मतलब केवल कार्बन को आइडेंटिफाई कर रहा है,
तो पहला ए में इथेन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ए के लिए इथेन में एक सिग्मा बॉन्ड, तो देखो वन सिग्मा बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे, तो वन ए का क्या हो गया, थ्री हो गया। तो अंडरस्टूड हो गया कि इसमें अगर गौर करके देखो तो थ्री और फोर हमारा यही कट गया, क्वेश्चन ऐसे ही बनाने का है, ऐसा मैचिंग का, ये कट के हट गया, बचा कौन, वन और टू, मतलब मेरा जो ऑप्शन है इसी में से कोई एक होने वाला है, सिंपल सा है। अब सोचो क्या करेंगे, इथिन, अब इथिन की बात भी हम करते हैं, तो इथिन में अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एच 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 है, इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, तो वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया यहाँ पे इथिन बी है, बी के लिए हमारा जो हो गया बी में कौन होगा, बी का हो गया फोर। अब चेक करके ऑप्शन देखो, तो बी का फोर इधर भी है, बी का फोर इधर भी है, इसका मतलब है कि हमको अगले के लिए जाना पड़ेगा। मान लो यही चेंज हो जाता तो जो ऑप्शन सही रहता हम वही करके आगे बढ़ जाते, समय हमारा बचता। तीसरा बात है जैसे इथाइन है, चलो अगर मान लो कार्बन है, क्यों तो सोचो अब कार्बन मॉलिक्यूल की बात करोगे तो ये एक्चुअल में हो गया, इसको अगर तुम देखोगे देखने में यहां दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होगे तो केमिकल बॉन्डिंग में ये वहां पे तुमको ये यूज होता है, जब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जब तुम यूज करते हो तो वहां पे इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट हो गया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है। तो मान के चलो कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुमको आइडिया नहीं मिल पा रहा है, तुमको याद नहीं है, तुम यहां तो समझ सकते हो ना इथाइन है, तो इथाइन है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, या एक सिग्मा तीन सिग्मा है और तीन सिग्मा और पाई है, तो हमको तो कार्बन कार्बन के बीच क्या चाहिए, तो इसका मतलब एक सिग्मा और दो पाई है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा डी का जो हो गया, डी का ऑप्शन हमारा कौन जा रहा है, तो डी का हमारे पास कहाँ गया, ये हो गया डी का, हो गया वन। अब देख लो डी का यहाँ पे वन है, वहां डी का टू है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये सही है, हमको ये ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना है। तो अंडरस्टूड है कि इस ऐसे क्वेश्चन बनाने में क्या ख्याल रखना है, कोई एक नहीं भी याद है तो भी तुम्हारा काम हो सकता है। हाँ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जब जाओगे तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कार्बन 12 में, सी टू की बात करोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px और पाई 2py, तो यहाँ पे जाओगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कहाँ गया है, अगर गौर करके देखो तो यहाँ पे गया है किधर, दो पाई में गया है, इसका मतलब क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ दो पाई बॉन्ड है, इस कारण से इसका ऑप्शन ये होगा। लेकिन नहीं भी याद रहता तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे हम। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमको समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है विच टू स्टेटमेंट दिए पड़े है, एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, मतलब एनिलीन जो है वो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं करता, क्यों नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्राइल सिंथेसिस को गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन के बारे में पहले समझे फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन की बात अगर हम करते हैं, ये हमारा कौन है, एनिलीन है, ठीक है। एनिलीन की बात अगर हम करते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या है, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन करने में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, और जब भी इलेक्ट्रोफाइल, क्यों ये जनरली नहीं शो करता है एनिलीन, इस बात को समझो, दोनों में कहानी वही गड़बड़ होने वाला है। यहाँ नहीं शो करने का कारण भी ये क्योंकि ये कार्बोकटाइन जब भी बनेगा तो यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल हमारा कार्बोकटाइन बनेगा, और यहाँ पे हमारा जो एनिलीन है इसके पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, और स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होने के कारण से ये हमारा जो होगा ये लुइस बेस की तरह काम करेगा और लुइस एसिड की तरह काम करेगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन शुरू होता, तो ये रिएक्शन के रेट को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। सेम चीज तुमको यहाँ भी जाएगा गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस में, प्रोस्पेक्ट अलग होगा, क्या प्रोस्पेक्ट अलग होगा थोड़ा सा मैं उसको भी समझा देता हूँ, ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है कि ये नहीं करता, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि ये फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन शो नहीं करता। दूसरा, गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस को अगर तुम लेके चलो और उसको समझने का प्रयास करो, गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस को अगर तुम समझने का प्रयास करो तो बेसिकली ये होता क्या है, थैलामाइड,
थैलिक एसिड मतलब ये थैलामाइड है, अगर तुम लेके चलो ये हमारा थैलामाइड है, सी ओ एच ये हमारा एन एच ये थैलामाइड है। थैलामाइड का रिएक्शन ये, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा और तुमको डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम थैलामाइड ले लेते हैं, ये पोटेशियम थैलामाइड है। पोटेशियम थैलामाइड का रिएक्शन जब हम अल्काइल हैलाइड से करते हैं तो ये अल्काइल थैलामाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? अल्काइल थैलामाइड। तो अल्काइल थैलामाइड ये अगर रिएक्शन में जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली हम वहाँ पे एक बात का जिक्र करेंगे कि अल्काइल थैलामाइड जो हमारा बनता है, ये हमारा नाइट्रोजन इधर हो गया आर, ये मतलब प्राइमरी एमीन्स के फॉर्मेशन के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। क्यों? तुमको यहाँ समझ में आएगा। इसके बाद जब इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज NaOH एक्वस NaOH या NaOH के साथ जब हम ट्रीट करते हैं या KOH जो ले लो, तो यहाँ से कट के ये बन जाएगा क्या, तो ये हमारा थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, उसके सॉल्ट्स बन जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, RNH2 का फॉर्मेशन होगा। अब प्रश्न ये है कि क्यों हमारा एनिलीन जो है इस प्रोसेस से नहीं गुजर रहा है? तो कारण अगर तुम समझोगे तो यहाँ क्या है कि बात जब एनिलीन के फॉर्मेशन की करने जाओ तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हमको अल्काइल के जगह पे एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा। और जब तुम एराइल हैलाइड को देखने जाओगे तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जितना आसानी से आर एक्स जो हमारा है आर प्लस देता है, ये हमारा जो है ए आर कभी भी एराइल जो है वो क्या ए आर प्लस नहीं देता। कारण जानते हो क्या? फिनाइल कार्बोकोटाइन लिस्ट स्टेबल होता है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण से ये क्या है, एराइल मतलब दो पॉइंट हो गया, एक एराइल कार्बोकोटाइन लिस्ट स्टेबल होता है और दूसरा यहाँ पे जो है ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेने के कारण से इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिससे इसके भागने की टेंडेंसी कम होगी। मतलब 100 बात का एक बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट जो होगा एराइल हैलाइड का नहीं होता। ये बात सबको समझ में आ गया, आशा करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा। तो एनिलीन डज नॉट प्रिपेयर थ्रू गैब्राइल सिंथेसिस, ये बात भी तुमको जो है ये भी सही ही है, क्योंकि ना तो ये बना पाएगा ना ये बना पाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों का दोनों क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लो, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 76 नंबर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट फॉर दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इससे हमको क्या बनाने का है, इससे हमको एल्डिहाइड बनाने का है। अब एल्डिहाइड बनाने का है अल्किन से, तो अंडरस्टूड है कि एल्डिहाइड से अल्किन जाने के लिए यहां ऑक्सीजन लाना होगा, अल्कोहल लाना होगा। हम जानते हैं कि अल्कोहल आ गया तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि यहां दो ऑप्शन हो सकता है, एक मार्कोनिकोफ एडिशन, जब हम वाटर का एडिशन OH का एडिशन करने जाएंगे, पहले तो ये समझो कि ये क्या देगा, ये एडिशन रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा तो यहाँ पे OH को जोड़ना होगा। अब क्योंकि अल्कोहल बनाएंगे तो रिडक्शन होगा, अल्कोहल बन गया तो उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो दिमाग में दौड़ाना क्या है और समझना क्या है, पहला कि हमको यहाँ पे करना क्या है, OH- ऐड करना है, ऐड होगा कहाँ? अब होने के लिए या तो यहाँ ऐड हो जाए या तो यहाँ ऐड हो जाए। अगर यहाँ ऐड कर रहे हैं मार्कोनिकोफ रूल, अगर हमको यहाँ कीटोन बनाना होता है तो 2 डिग्री हमने अभी जस्ट प्रीवियसली डिस्कस भी किया है, 2 डिग्री अल्कोहल हमको क्या देगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है और 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है। तो अंडरस्टूड है कि हमको ऐड करना होगा OH कहाँ पे, यहाँ, तब जाके बातें ये बनेंगी। लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ होता तो हमको OH यहाँ जोड़ना होता। तो अंडरस्टूड हो गया पहला दिमाग कि हमको जो भी कहानी करना है OH का वो हमको इस पोजीशन पे करने का है, OH को हम यहीं ऐड करने वाले हैं। अब बात आता है कि यहाँ जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के लिए इसका मतलब है देखो, कम हाइड्रोजन वाले को हाइड्रोजन देंगे, कम हाइड्रोजन वाले को हाइड्रोजन देते और ज्यादा हाइड्रोजन वाले को हाइड्रोजन, नहीं हो मार्कोनिकोफ रूल तुम लोग पढ़े हुए हो। तो अगर हाइड्रोजन यहां दे रहे हैं, एच प्लस आयन यहां दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मार्कोनिकोफ फॉलो होता और यहां हाइड्रोजन देते तो एंटी मार्कोनिकोफ फॉलो होता।
बहुत हद तक ये सही नहीं है क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही अलग होता है। हाँ, याद ये रखना है कि अगर एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना है तो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर अल्कोहल बनाना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है हमारा कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं फॉलो होता है उसमें, वो उसका मैकेनिज्म अलग है, दूसरे मैकेनिज्म के कारण से ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है और उसके कारण से प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रहा? लेकिन बात में याद रखने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तुम डायरेक्ट याद रखोगे कि अगर हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा दिया तो जस्ट एंटी मार्कोनिकोव टाइप प्रोडक्ट बनता है, काम आसान हो जाएगा इससे। तो अगर तुम ऑब्जर्व करके चलो तो अगर सीधा सा देखो हमने क्या करना है, समझो इसको, हमने ये करना है कि सी एच टू, यहाँ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, हम इसके ऊपर बी टू एस सिक्स भी यूज करते हैं, बी एस थ्री टी एच एफ ये यूज करते हैं, और विथ एच टू ओ टू ओ एच माइनस। याद रखने के लिए हमने ये क्यों बता दिया है थोड़ा सा, और ये रूल नहीं है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आसान तरीका है क्वेश्चन बनाने के क्रम में, खास करके मेडिकल वालों के लिए। क्यों? यहाँ पे देखो एच टू ओ टू है, परऑक्साइड इफेक्ट जानते हो, याद होगा खराश इफेक्ट एच टू ओ टू, लेकिन ये इसमें फॉलो नहीं होगा, मैकेनिज्म कंप्लीट अलग है, इसका मैकेनिज्म कंप्लीट अलग है क्योंकि ये ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है, इसका कहानी गड़बड़ है। लेकिन याद रखने के लिए H2O2 दिख गया तो एंटी मार्कोनिकोव फॉलो करके OH ऐड करके तुम अपना काम बना सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पे लाके जोड़ दो तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये कर दिए इधर, ये हो गया क्या CH2CH, इधर पे आ गया, यहाँ पे हो गया H और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हमने लगा दिया OH, मतलब दिख रहा है एंटी मार्कोनिकोव टाइप। तो याद रखना है कि ये रिएजेंट कभी भी दिख जाए तो डबल बॉन्ड पे एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करा के वाटर का एडिशन एज ए एच ओ एच कर देंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये कोई रूल नहीं है, ये अगर रूल पे जाएंगे तो मैकेनिज्म से ये बोलना कि एंटी मार्कोनिकोव ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए सटीक तरीका है, आसानी से बन जाएगा। अब आते हैं अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल हो गया बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो स्वाभाविक है हमको 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया है पीसीसी विथ CH2Cl2, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट विथ CH2Cl2, ये हमको क्या देगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ जब हम रिएक्शन करने जाएंगे तो इस रिएक्शन में जब हम करेंगे तो ये हमारा रिएक्शन जो है वो आसानी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे हमारा जो है ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे क्या होगा, इधर हो गया कौन CH2 और COH, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बस बातें आई हैं तो हमने बस एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्सप्लेनेशन जब दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट भी आपके नज़र में आ जाए। तो अंडरस्टूड हो गया कि फर्स्ट स्टेप में ये विथ H2 ये, और उसके बाद ये, मतलब दो स्टेप ये और लास्ट में पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट दे दिए तो हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ये हमारा ज़्यादा बेटर है। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात? आशा करते हैं कि ये बात हमको समझ में आ गई होगी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता तो उस केस में हमारा ये जाता, जो अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन में हमारे पास आया भी है। तो चलो इस ये सिंपल, अभी क्योंकि हमको रिएजेंट की बात है इसको डिस्कस कर रहे हैं तो ये बात हमारे समझ में आ गई होंगी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ फास्टेस्ट रेट। समझो, हम जानते हैं ये स्टेबिलिटी, सिंपल बात समझाता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन जो है वो फॉलो करता है, जितना बढ़ेगा SN1 मैकेनिज्म उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सिंपल सा बात, एकदम समझो सिंपल बात। जबकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन घटेगा तो SN2 मैकेनिज्म जो होगा वो बढ़ता है, ठीक है? ये दो बातें तुम्हारे ध्यान में रहनी चाहिए। बात SN1 रिएक्शन की, और भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमको दिया है डाटा उसके अनुसार से वही चलेगा। तो देखो ये हटेगा तो या क्या आएगा, फिनाइल कार्बोकटायन, तो हमने कहा लिस्ट स्टेबल होता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया ये तो बनने का ही नहीं है। यहाँ जाओगे ये हमारा हो गया मिथाइल, ये इधर हो गया कार्बन, इसका मतलब है कि जब यहाँ से तुम हटा रहे होगे तो जब यहाँ से हटाओगे तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा पहला तो 2 डिग्री कार्बोकटायन हो गया और साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो यहाँ पे हमारा रेजोनेंस भी है और ये भी है,
यहाँ हटाओगे CH2 यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये हटाओगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकटायन, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकटायन, ये जाओगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन विथ रेजोनेंस है, तो अंडरस्टूड है कि ये हमारा सबसे स्टेबल कार्बोकटायन होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होंगे SN1 रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, इस कारण से यह रिएक्शन जो हमारा सेकेंड वाला जो है वो ज्यादा फास्टेस्ट रेट से हमको SN1 मैकेनिज्म देने वाला है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 79 कंपाउंड, अ कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H14 हैज टू टर्शियरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम इज C6H14 है। टर्शियरी कार्बन का मतलब क्या होता है, ये तो टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, तो 3 डिग्री कार्बन होने के लिए अंडरस्टूड है यही होना चाहिए, देखो क्या क्या CH3 CH, इधर CH3 CH3 CH CH3 हो गया, तो अंडरस्टूड है टर्शियरी 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये नाम जाओगे तो नाम क्या हो गया, यही हो गया, क्या करोगे 1 2 3 4, तो क्या हो गया 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया, क्लियर है बात। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, क्लियर है सबको। 6 कार्बन चाहिए था और 2 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन पहले 2 को बना के उससे ऐड कर दिए, तो ये भी 3 डिग्री, 2 3 डिग्री हो गया, ये इसका नाम हो गया कंपाउंड। तो ये भी बेसिक बात था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नोमेनक्लेचर का बेस्ड है। अब देखो द रिएजेंट विच विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट ऑब्लिक प्रोडक्ट्स आर, ये ग्लूकोज जो हमारा है वो किसके साथ जो है ये फॉलोइंग जो भी करस्पॉन्डिंग टेस्ट इसका होना चाहिए उसको ये नहीं देता है। तो इसमें बेसिकली अगर तुम गौर करोगे तो कौन से टेस्ट की बात हो रही है ये समझो, टेस्ट की बात ये हो रही होगी, ये जो जितने भी रिएजेंट तुमको दिखते हैं ना बेसिकली ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग बेसिकली इन रिएजेंट्स का यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, ये यहाँ पे NH2OH का यूज कर रहा है, ये सब इंडिकेट करता है क्या कि ओपन चेन कार्बन का जो फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप है या नहीं, तो वहां पे हमारे जो है क्या एल्डिहाइड ग्रुप जो हमारा है जो ग्रुप हम यूज कर रहे हैं मतलब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं फर्स्ट पोजीशन पे, उसके लिए टॉलेंस रिएजेंट और ये यूज किए जाते हैं, इनका ये सी बेस रिएजेंट जो है ये बल्कि ग्रुप्स होते हैं इनके लिए भी ये, और NH SO3 जो है रिएजमेंट बीच में होने लगता है इस कारण से बल्कनेस के कारण से, क्योंकि ग्लूकोज क्लोज चेन ओपन चेन दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो ये दिमाग में डायरेक्ट रखोगे क्योंकि रिएजेंट बड़ा रिएजेंट है, इसका हम लिखेंगे नहीं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इसमें, सिंपल याद रखोगे सिर्फ रिएजेंट जो हमारा है वो और NaCO3 जो है वो ग्लूकोज के साथ वो रिएक्शन नहीं देता जो टॉलेंस रिएजेंट CnH2 और ये फॉर्मेशन देता है, और इसका यूज क्या करते हैं टर्मिनल एल्डिहाइड को टर्मिनल पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये कौन क्वेश्चन करता है कि डज नॉट रिएक्ट, तो स्वाभाविक है इसमें कौन हो गया बी और ई, ये हम दिमाग में रखेंगे, ये ग्लूकोज के साथ वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता जो ये तीनों सीरीज में परफॉर्म करता है, ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, अल्कोहल का रिएक्शन जब PBr3 से करते हैं तो हमारा ए प्रोडक्ट बन रहा है, फिर अल्कोहलिक KOH से ये बनता है, तो स्वाभाविक है PBr3 ये रिएक्शन जो हमारा है इससे जब रिएक्ट करते हैं तो PBr3 क्या देता है Br देता है, तो अंडरस्टूड है इस रिएक्शन को अगर तुम करने जाओगे, सोचो ये हमारा जो है रिएजेंट हमारा है, यहाँ पे कौन सा हो गया OH है, ये हो गया क्या CH3, PBr3 से जब रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे Br का फॉर्मेशन होगा, Br ये CH3 हो गया, अब ये बनने के बाद ये प्रोडक्ट आया, अब यहाँ से क्या होगा अल्कोहलिक KOH, एक इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रखोगे एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्या देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और अल्कोहलिक KOH जहां भी रहे तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, ये दो बात बड़ा दिमाग में हमेशा रखोगे,
एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शन, और एल्कोहलिक KOH जो है एल्कोहलिक KOH देता है एलिमिनेशन। तो जैसे ही ये रिएजेंट दिख जाए और हीट, साथ में हीट है तब तो वो एलिमिनेशन होएगा ही होएगा, लेकिन अगर हीट नहीं भी रहता और एल्कोहलिक KOH कहीं दिया रहता तो भी हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ एलिमिनेशन होगा। दिमाग में रखना है इस चीज़ को। तो एलिमिनेशन यहाँ पे एल्कोहलिक KOH विथ हीट है तो यहाँ एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन होगा तो सोचो अब क्या होगा। एलिमिनेशन पहले तो यहाँ से हटा, हटने के बाद कार्बोकैटायन बनेगा। अब दो ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन यहाँ का हटे, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है अल्फा बीटा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हटे या हाइड्रोजन यहाँ से हटे। तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो तुम समझ सकते हो ये 3 डिग्री वाला पार्ट में जाएगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स आर द मेजर प्रोडक्ट, सेटजफ प्रोडक्ट कहता है, सेटजफ रूल है ये। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स जो हमारे होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होंगे, इस कारण से हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमारा ये प्रोडक्ट जो होगा ये बेटर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा निकल के बाहर आएगा, ये ज़्यादा मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा। पॉसिबिलिटी एक हमारी ये भी थी, अगर गौर करके देखो तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी आ रही है। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स मेजर प्रोडक्ट होता है, इस कारण से अब ऑप्शंस हमारे पास होंगे ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो अब देख के चेक कर लो, ए में हमारा क्या बना, तो ए में हमारा क्या बन गया, तो ए में यहाँ बी आर लग गया, तो CH3Br, देखो CH3Br और अल्किन, मतलब ये वाला प्रोडक्ट हमारा सी वाला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, तो सी हमारा सही है। बात सबको समझ में आ गया, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ये अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे जो हमने अभी प्रीवियस रिएजेंट अभी बता रहे थे, उसमें ये जो हमारा रिएक्शन है देखो क्या है। याद रखोगे जब भी सिमेट्रिकल अल्केन, जनरली सिमेट्रिकल अल्केन का ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं, कोई भी सिमेट्रिकल अल्केन है और सिमेट्रिकल अल्केन का ट्रीटमेंट जब हम लोग कर देते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन लिया हमने और इसका ट्रीटमेंट KMnO4 के साथ हम लोग करते हैं विथ H+ आयन, ये जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ये करता क्या है कि ये पूरे ग्रुप को सिमेट्रिकल अल्केन, ये पहले तो एडिशन कराएगा, ये OH में मतलब ये अल्कलाइन थोड़ा सा रिएजेंट और क्लियरिफाई करके आपको देना चाहिए था, दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं पहले स्टेप में एसिडिक मीडियम है अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में जब जनरली होगा तो यह रिएक्शन, मतलब यहाँ अल्कलाइन वर्ड यूज करना था ज़्यादा बेटर होता, लेकिन नहीं दिया है, फिर भी बहुत जगह रिएजेंट्स को हम समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होता है सिमेट्रिकल अल्केन के साथ, ये हमारा क्या बनेगा, CHOH और R, ये फॉर्मेशन होगा और एसिडिक मीडियम होने के कारण से हीट होगा और इस कारण से ये विग्रसली ये टूट गए, ये करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात जरूर याद रखेंगे कोई भी हो, ठीक है। तो अंडरस्टूड सा बात है कि पहले यहाँ पे हटा के बेटा एक OH लगा और उसके बाद एसिडिक मीडियम में है तो कट के यहाँ थोड़ा सा रिएजेंट में कंजूसी किया गया है आप लोग के साथ, रिएजेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिखना चाहिए था अल्कोहलिक KMnO4, मतलब ये यहाँ लिखा अल्कलाइन KMnO4 लिखना था और साथ में पहला स्टेप और सेकेंड स्टेप में H+ आयन विथ एलिवेटेड हीट, ये ज़्यादा बेटर वर्ड यूज होता तो आसान होता और समझना, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी है हमको ये समझने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आशा करते ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 91 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस, दिया पड़ा है इसमें हमको प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सिंपल सा है, NaCN जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग, सिंपल कहो तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो Na+ और CN- बनेगा और CN- बनेगा तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सी के थ्रू जुड़ेगा। इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक चीज और बताते चले, यहीं पे अगर AgCN होता तो वीक ये हमारा क्या होता, ये जो हमारा है वीक सॉल्ट है, मतलब वो टूटने वाले नहीं है, तो इस केस में इसका ये MB files जो इसके MB न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जब ये काम कर रहे होंगे तो इसका N जाके जुड़ेगा और ये रहेगा तो क्या बनता, यहाँ पे NC जुड़ता आइसोसाइनाइड, और अगर CN है तो CN आके जुड़ता। तो हमको तो CN दिया है, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आया है तो हम बोल दिए हैं यहाँ पे तुम NC- को ऐड करोगे, NC जुड़ेगा, ठीक है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ये वाले पार्ट से जुड़ेगा
और इसमें इस वाले पार्ट से जुड़ता है। बस बात आया है तो तुमको बता दी है कि याद रखोगे। तो CH3CH2CH2 आई है, इसके साथ NaCN से हमने ट्रीट कर दिया बेटा, तो क्या बन गया CH3CH2CH2 और यहाँ पे आके हमारा क्या जुड़ गया, CN जुड़ गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ए हमारे पास जो आ गया, ए आ गया। अब कहता है ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस याद रखेंगे दो बातें, एक जब भी OH- आयन से ट्रीटमेंट होगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, दोनों बात को समझोगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर होता तो डायरेक्टली ये CH3CH2CH2 और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता, ये हटके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता। लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो यहाँ पे ये हटके CH3CH2CH2 और यहाँ पे CONH2 अमाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? अमाइड का फॉर्मेशन। ये बात याद रखेंगे, इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये था, इससे हमको कोई लेना देना यहाँ नहीं है, लेकिन बात बता दिए हैं आपको। फिर ये क्या हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये जो रिएजेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन डिग्रेडेशन वाला पार्ट है, ये हॉफमैन रिएक्शन के लिए है, ये हॉफमैन रिएक्शन देता है। और हॉफमैन रिएक्शन ये रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो डायरेक्ट एमाइड से एमीन में कन्वर्ट करने का एक एक रिएजेंट है विथ वन कार्बन लेस, बड़ा बेस्ट रिएजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये जैसे ही हम NaOH विथ Br2 डालते हैं तो ये क्या करेगा, एक कार्बन CO को हटा के एक कार्बन कम का क्या बना देगा, एमीन का फॉर्मेशन कर देगा CH2NH2CH2CH2CH3CH2CH2NH2, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बात सबको समझ में आ रहा है? तो अब जो क्वेश्चन आपके पास आया बी और सी, इसको आप चेक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन है प्रोडक्ट सी फॉर, अच्छा सी बनाना है तो सी में हमारे पास क्या बना, तो सी में हमारे पास क्या बना, प्रोपाइल एमीन, 1, 2, 3 एमीन, मतलब हमारा क्या बन गया, प्रोपाइल एमीन का फॉर्मेशन हुआ, एक कार्बन लेस वाला। ये बात सबको समझ में आ गया, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये क्वेश्चन भी हमको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है क्या कहता है, प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर, ये इसमें ये और ये दिया है, इसमें बाई प्रोडक्ट, देखो हम लोग जनरली छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अल्कोहल बना है, बाई प्रोडक्ट को डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में बाई प्रोडक्ट की बात की जा रही है। इसको याद रखने का व्यवस्था हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन में ROH 3, यहाँ पे क्या हो गया PCl CL और CL, ये बीच से यहाँ से कट करोगे प्रोडक्ट जाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, तो ये बना 3 मोलिक्यूल ऑफ RCl बन गया और साथ में क्या होगा 1, 2, 3 हो गया H3 और P हो गया 1 और ये क्या हो गया यहाँ पे 3 गो हो गया H3PO3 का फॉर्मेशन हुआ, क्या बना H3PO3 हो गया और उसके साथ साथ तुम्हारा जो हो गया इसमें एक ये पहले हम लिख देते हैं उसके बाद बात करते हैं, और अभी ये बना उसके बाद अगर जाओगे तुम्हारा रिएजेंट कौन है PCl5 के साथ, तो इसको याद हम ऐसे रखते हैं, यहाँ पे हो गया PCl, ये कौन हो गया PCl5 हो गया, तो CL CL और इधर क्या हो गया CL CL और CL है, तो यहाँ से बीच ये कट के हटेगा, इसको काट लो और यहाँ से प्रोडक्ट लिख दो, क्या बना RCl विथ क्या बना HCl प्लस क्या हो गया POCl3, तो दो बातें हो गई। अब समझो यहाँ पे जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ रहा है तो B में तो आ गया POCl3, एक तो आ गया हमारा कौन सा POCl3, तो POCl3 B है, अगर देख के चलो तो B POCl3 है, तो B में POCl3 आया POCl3 आया, इसका मतलब है कि ये दोनों का तो काम ऐसे ही खत्म हो गया, पहले तो ही छाड़ दिए। अब ऑप्शन इसमें और इसमें जाता है, ठीक है, अब इसमें और इसमें ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ H3PO3 बना है, बनने के लिए क्या बना है H3PO3, लेकिन ये याद रखने का है कि ये होता क्या है कि ये एक्चुअल में H3PO3 बाद में क्या होते हैं जो ये रीअरेंज कर जाते हैं, और रीअरेंज मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें अगर तुम ओवरऑल यहां से लेके चलो तो देखो क्या बन रहा है PPOH OH OH बनने के लिए बना, बाद में रीअरेंज होके H3PO2 ये फॉर्म में H3PO3 का जो स्ट्रक्चर है रीअरेंजमेंट होके प्रोडक्ट बनता है। तो हमको तो डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि क्या बन रहा है, तो क्या बन रहा है तो हमारे सामने है कौन 3 गो OH है तो 3 गो OH होगा,
ये तो समझ में आ रहा है। तो H3PO3 हमारा बन गया और कौन बन गया POCl3, ये ऑप्शन हमारा सही है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर हो गया, क्लियर अगर वो चलो लास्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हमारा कौन हो गया, अगला क्वेश्चन हमारा जो हो गया वो अच्छा इतना ही क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। चलिए तो ये 17 क्वेश्चंस जो आपके पास 18 क्वेश्चंस थे, 17 क्वेश्चन जो भी थे टोटल, सॉरी 17 क्वेश्चन थे, हमने सभी क्वेश्चंस को लगभग उसके ब्रीफ पॉइंट्स के साथ जितना एक्सप्लेन करना चाहिए था हमने एक्सप्लेन किया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस जब भी टेस्ट के आएंगे उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक जब भी ऐसा वीडियो आए तो आप लोग देखते रहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।